बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना कितना आसान, आइए हम इसे मिलकर बनाना शुरू करते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 15 दर्ज फ्रेश स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है, जिसे धोकर खुश करने के बाद इनका जो ग्रीन पार्ट होता है वो हमने कट कर दिया है और इनके मोटे मोटे पीस कटिंग करके रख लिए हैं। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना करीब से करीब तर आता जा रहा है, डेली अपने बच्चों को बना के दीजिएगा ताकि बच्चों में कोई कमज़ोरी ना रहे। मिक्सिंग जार के अंदर हम एक गिलास दूध का इस्तेमाल करेंगे। पहले इसके अंदर हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो हमने कटिंग करके रखी थी वो सारी की सारी एक साथ हम शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हमने चीनी शामिल कर दी है। मज़ीद इसको टेस्टी बनाने के लिए होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का हम इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना भी बहुत आसान है। मिक्सिंग जार को हमने ऑन कर दिया। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी हो चुका है। सर्व कर रहे हैं आपके सामने। 2 मिनट में आसानी से बनने वाला ये ड्रिंक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सर्विंग के दरमियान भी हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज के मिल्क शेक में। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ठंडा ठंडा करके रमज़ानुल बबरकत के मुबारक महीने में अपने बच्चों को सर्व कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।